आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स पैंट का नाप कैसे ले। ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कभी भी पैंट का नाप लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें। किसी भी तरह का सिलाई का काम सीखने के लिए लेडीज या जेंट्स, नया या पुराना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास उसका मैसेज आ जाए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सिलाई व कटिंग सिखाई जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। नाप लेने से पहले ये ध्यान रखे, कस्टमर ने बेल्ट वगैरह बांधी है तो उसे खुलवा दे, या फिर पॉकेट में कोई सामान वगैरह, पर्स या फिर फोन वगैरह है, उन सबको बाहर निकलवा दे ताकि हम परफेक्ट नाप ले सके। इस चीज का जरूर ध्यान रखे। सिलाई के काम के दौरान एक बात का और ध्यान रखें, ज्यादातर सिलाई का काम कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, तो कस्टमर से कंफर्म करते रहें। जहां से भी पैमास ले तो कस्टमर से एक बार कंफर्म जरूर कर ले, इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का नाप वहां से ले जहां पर कस्टमर ने पैंट बांधी हुई है। हमने पैंट को पहले ही थोड़ा नीचे कर लिया है। आप एक उंगली बीच में रख सकते हैं इंची टेप के, इस तरह से नाप लेना है। कमर है हमारी 31.5 इंच। इसके बाद हिप का नाप, हिप का नाप इस तरह से लेना है। इंची टेप और हिप के बीच में जो नॉर्मल नाप होता है उसके हिसाब से हम 4 उंगली रख सकते हैं। अगर कस्टमर ज्यादा फिटिंग चाहता है तो 4 उंगली बाहर रखनी पड़ेंगी, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग। बैक में भी देख सकते हैं आप इंची टेप कहाँ से लेना है। एक साइड से थोड़ा नीचे की तरफ है, उसे भी सीधा रखें। इस तरह से आपने हिप का नाप लेना है। वीडियो को ध्यान से देखें। तो हिप है हमारी 38 इंच। इसके बाद लंबाई, लंबाई हमें जहां पर कस्टमर की पैंट बंधी हुई है, जहां कस्टमर पैंट को बांधता है, वहां से लेकर बिल्कुल नीचे तक, या फिर कस्टमर से कंफर्म कर ले कहां पर आप पैंट को बांधते हो, तो लंबाई है हमारी 38 इंच। हाई का नाप, हाई, लटक, आसन, तीनों का एक ही मतलब है। आसन, लटक और हाई, तीनों का एक ही मतलब है। हाई का नाप इस तरह से ले। इस चीज का भी ध्यान रखें, कस्टमर क्या चाहता है कन्फर्म करते रहें। बैक में भी देख सकते हैं आप, वहां से जहां तक पैंट बांधी हुई है वहां से, या आगे तक बेल्ट तक। हाई है हमारी 24 इंच। इसके बाद थाई का नाप, थाई का नाप इस तरह से ले। थाई और इंची टेप के बीच में भी 3 उंगलियां रखें, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर कितनी फिटिंग चाहता है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, कस्टमर से कंफर्म जरूर करते रहें। पैमास लेते समय कस्टमर से कंफर्म जरूर करते रहें। थाई है हमारी 22 इंच। इसके बाद अब घुटने का नाप इस तरह से लें। घुटना है हमारा 17 इंच। इसके बाद मोहरी, कस्टमर से भी कंफर्म कर ले वो कितनी मोहरी चाहता है, या फिर पैमास के हिसाब से नॉर्मल साइज। मोहरी है 15 इंच। पैमास लेने के बाद कस्टमर से कंफर्म कर ले किस तरह की पॉकेट लगवानी है, क्रॉस या डी, बैक में कैसी पॉकेट होगी, सामने की तरफ हुक या बटन, कंप्लीट कंफर्म कर ले। नीचे मोहरी में तुरपाई या फिर सिलाई, बैक वाली पॉकेट पे ढक्कन या बिना ढक्कन की, कंप्लीट कंफर्म कर ले ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। सिलाई सीखने के लिए, सिलाई के रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।